आप देख रहे हैं भारत की रफ्तार 24। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की टीम ने गांव गांव जाकर की मीटिंग। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन हापुड़ की टीम के जिलाध्यक्ष राजेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में 27 नवंबर को दिल्ली जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग जाए उसके लिए गांव गांव जाकर लोगों से संपर्क कर अपील की जा रही है, जिसमें लटपुरा, लोधीपुर, छपका, हैदरपुर, हिरनपुरा, सबली, श्यामनगर, भदसयाना, बहादुरगढ़ व नगर हापुड़ में भी मोहल्लों में जाकर मीटिंग की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग रैली में जाने के लिए उत्साहित हैं। इस अवसर पर सुंदर कुमार आर्य, जिला महासचिव, ईश्वरी कुमारी सिसोदिया, प्रदेश उपाध्यक्ष शशि गोयल, जिलाध्यक्ष महिला विंग ओम प्रकाश, जिला सचिव अनिल गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार, जिला संयोजक उपस्थित रहे। दीपक कश्यप की रिपोर्ट। आप सभी युवा साथी हमारे जितने में बैठे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों के बीच में मुझे बोलने का मौका मिला। साथियों, ना तो मेरे कोई चुनाव लड़ना, ना मैं आपसे कोई वोट मांगने आया, ना मैं आपसे नोट मांगने आया, मैं सिर्फ आपसे बात करने आया हूँ, इस देश हित की बात करने आया हूँ। और मैं इस लाइन में इसमें क्यों आया, मैं इसका भी आपको बता दूँ कि मैं एक अपने मित्र थे हापुड़ के, उनके साथ एक गाजियाबाद एक मीटिंग में गया, वो मुझे ले गए कि राजेंद्र भाई आप जो है मीटिंग में चलो, एक मीटिंग है आप मेरे साथ चलो। तो वो मुझे ले गए, तो वहाँ जाकर के मीटिंग हो रही थी, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की मीटिंग थी। तो वहाँ पर जो इसको जनसंख्या समाधान फाउंडेशन को जिसने खड़ा किया, जिसने शुरू किया, वो ममता सहगल नाम की लेडी हैं और वो कश्मीर से आई हुई है, कश्मीर में है। तो जब उन्होंने आपबीती सुनाई, वो कोई नेता नहीं है, जब उन्होंने आपबीती सुनाई कि सन 1990 में जब वहां पर गदर मचा और कह दिया काफिरों घाटी छोड़ो और अपने बीवी बच्चों को यहीं छोड़ जाओ और जिसे जान प्यारी है तो भाग जाओ नहीं मार दिए जाओगे, तो उसका परिवार वहां खत्म कर दिया गया। अब वो 13 साल की उम्र थी उस लड़की की, 13 साल की लड़की थी उस वक्त, वो सीमेंट के ट्रक में कैसी वो बैठ गई, दुबक गई, सीमेंट के ट्रक में दुबक करके दिल्ली आ गई। दिल्ली आकर के वो यहाँ कैंप लगा दिया था सरकार ने कि जो विस्थापित हो रहे हैं यहाँ कैंप में रहें। तो जब वो कैंप लगा दिया, उसमें कैंप में रही, कैंप में पढ़ी और वो ए क्लास की अफसर बनी। ए क्लास की अफसर बनने के बाद जब उसने देखा कि जो